हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालनी है बिल्कुल सिंपल टेक्निक से करेंगे तो एग्जांपल्स करने से पहले हमें ये फॉर्मूला सेट तीनों की नॉलेज होनी चाहिए जैसे फर्स्ट फॉर्मूला सेट है हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर आ जाए तो इसे हम लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स अगर कॉस के साथ आ जाए तो इसे लिखेंगे पाई माइनस टेन इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो इसे लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स एक्स इसमें कॉस इनवर्स

फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो सिंपली पीछे क्या बचेगा बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रही हूँ आपको कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या आएगा एक्स देन टेन इनवर्स वर्स टेन सिंपली सिमिलरली सभी के लिए आंसर क्या आएगा हमारे पास एक्स रिजल्ट आएगा सभी का क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इनकी रेंज क्योंकि जब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो जो भी वैल्यू निकालेंगे उसे हमने रेंज में चेक करनी है रेंज इज ऑल्सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ डैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर स्टूडेंट्स तो उसके लिए हमें रेंज की नॉलेज होनी चाहिए अब रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इसको भी लर्न करने का बिल्कुल सिंपल वे है देखिए साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी माइनस पाए पॉइंट टू टू पाओप टू और यहां होगा क्लोज इंटरवल ओके एंड साइन इनवर्स की ये हो जाएगी और लर्न करने का मेथड है ये और टेन इनवर्स की हो जाएगी ओपन इंटरवल माइनस पाओप टू टू पाए पॉइंट टू एंड कॉस इन वर्स की होगी रेंज जीरो टू पाई क्लोज इंटरवल के साथ एंड रेंज ऑफ कॉट इनवर्स की होगी जीरो टू पाई इसमें लगेगा ओपन इंटरवल क्लियर स्टूडेंट्स देन सिकेंड इनवर्स का लर्न करने का मेथड है क्योंकि सिकेंड इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इनवर्स एंड सो कॉस की क्या है क्या है हमारे पास जीरो टू पाई तो ये भी जीरो टू पाई ही होगी बट पाई अपॉन टू के लिए कॉस की वैल्यू क्या है जीरो ध्यान से समझिएगा कॉस की वैल्यू क्या है जीरो ओके okay? तो अगर सिकेंड इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ सिकेंड को क्या लिखेंगे हम वन अपॉन कॉस अगर वन अपॉन कॉस पाई बाय टू आएगा तो क्या आएगा जीरो तो वन अपॉन जीरो आ जाएगा इन्फिनेटी सो so, हम पाई अपॉन टू इसमें से निकाल देंगे सो so, इसकी रेंज क्या आ जाएगी जीरो टू पाई अपॉन टू यूनियन पाई अपॉन टू टू पाई ओपन इंटरवल लग गया डेट मीन्स पाई अपॉन टू को हमने बीच में से मिस कर दिया मीन फाइव पॉइंट टू के लिए वैल्यू नहीं होगी ओके देन सिमिलरलीउट हो गया तो ये भी इसकी भी रेंज ऐसे ही होगी क्लोज इंटरवल माइनस फाइव पॉइंट टू टू पाइव पॉइंट टू बट जीरो के लिए साइन इनवर्स जीरो साइन जीरो है हमारे पास जीरो सो so, अगर हम कॉसिकंड जीरो लिखेंगे तो वन अपॉन जीरो लिखेंगे एंड दिस विल बी इंफनाइट सो जीरो बीच में ओपन इंटरवल इसलिए लिख दिया हमने क्लियर स्टूडेंट तो इसको हम जीरो में ब्रेक कर रहे हैं और इसको हम पाई बाय टू में ब्रेक कर रहे हैं अदरवाइज इतनी डिटेल करने की आपको जरूरत नहीं है सिंपली आप रेंज इनके लर्न कर लीजिए जैसे साइन इनवर्स की क्लोज इंटरवल माइनस फाइव पॉइंट टू टू फाइव पॉइंट टू क्लियर स्टूडेंट्स अब इसकी हम एग्जाम्पल्स करेंगे जैसे एग्जाम्पल्स बिल्कुल सिंपल हैं सिंपली पहले फॉर्मुला सेट ये बड़े बड़े लिखे हुए इसलिए थोड़े मुश्किल लग रहे हैं अदरवाइज एक दो बार आप लर्न करोगे तो सिंपली लर्न हो जाएंगे ये ओके स्टूडेंट्स देन नेक्स्ट देखिए फर्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल कॉस इनवर्स वर्स माइनस फाइव पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट टू इसको करना कैसे हमने देखिए <coughs> इसको पहले हम लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस इन वर्स माइनस वन अपॉन टू ये फॉर्म कैसे बन गई देखिए कॉस इन वर्स माइनस एक्स फॉर्म बन गई है ओके तो इसे हम कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मुला क्या है पाई माइनस कॉस इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू मीन्स एक्स डेट इज वन अपॉन टू क्लियर स्टूडेंट्स नाउ दिस इज इक्वल टू पाई माइनस अब कॉस की वैल्यू देखिए इसे देखना कैसे हमने कॉस की वैल्यू वन अपॉन टू है जो तो वैल्यू के टेबल में वैल्यूज के टेबल में कॉज की वैल्यू वन अपॉन टू किस एंगल पे होगी किस एंगल पे होगी दिस विल बी ऑन एट सिक्सटी डिग्री ओके किस में होगी सिक्सटी डिग्री में और सिक्सटी डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे सिक्सटी डिग्री में हो गया ओके okay? इसको रेडियन में कैसे लिखते हैं हम पाए अपॉन थ्री क्लियर स्टूडेंट तो इसको हमने लिख लिया पाए अपॉन थ्री एंड दिस विल बी टू पाई अपॉन थ्री क्लियर स्टूडेंट्स अब देखिए जो ये टू पाई अपॉन थ्री होगी पहले हमने अब प्रिंसिपल ब्रांच चेक करनी है मींस रेंज चेक करनी है पहले किसकी रेंज चेक करेंगे कॉस इनवर्स की फिर हम लिखेंगे रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x एक्स इज कितनी है इसकी रेंज क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई अब जो हमने वैल्यू निकाली है जैसे टू पाई बाई थ्री हमने वैल्यू निकाल ली अब इसे हम चेक करेंगे कि इस रेंज के बीच में है या नहीं ओके तो इसमें है ये टू पाई पॉइंट थ्री अब टू पाई पॉइंट थ्री क्या है हमारे पास वन ट्वेंटी डिग्री एंड वन ट्वेंटी डिग्री लाइज बिटवीन जीरो टू वन एटी डिग्री सो ये आ गया टू पाई बाय थ्री बिलोंग टू जीरो टू पाई ओके तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी प्रिंसिपल वैल्यू इज टू पाई बाय थ्री जो भी हमने वैल्यू निकाली है उसे जस्ट हमने चेक करना है कि डेट शुड बी इन रेंज ओके जो भी रेंज होगी उस इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उसी रेंज में वो वैल्यू होनी चाहिए तो उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्लियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जैसे पार्ट है हमारे पास कॉट इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री अब इसे सिंपली हम लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री क्लियर स्टूडेंट्स देन एक्स की वैल्यू क्या होगी अब इसे हम चेक करेंगे क्योंकि कॉट इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू तो ये आ जाएगी हमारे पास वन अपॉन रूट थ्री क्लियर स्टूडेंट्स ये आ गई वन अपॉन रूट थ्री तो ये किसकी वैल्यू होगी अब हमने चेक करना है कि कॉट की वन अपॉन रूट थ्री वैल्यू किस एंगल पर होगी किस एंगल पर होगी ये सिक्सटी डिग्री पे तो सिक्सटी डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं सेम एज रेडियन पाई अपॉन थ्री तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस पाई अपॉन थ्री एंड विच विल बी इक्वल टू टू अपॉन थ्री क्लियर स्टूडेंट्स अब इसको हम चेक करेंगे कि टू पाई अपॉन थ्री इसकी रेंज में है या नहीं बिकॉज दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओके एंड रेंज ऑफ कॉट इनवर्स x इज रेंज कितनी है इसकी ओपन इंटरवल जीरो टू पाई एंड टू पाई पाई थ्री जो हमने वैल्यू निकाली है दिस बिलोंग्स टू जीरो टू पाई सो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी टू पाई बाई थ्री ये आ गया हमारा आंसर ओके स्टूडेंट्स अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ हमने निकालना है कॉस इन वर्स कॉस टू पाई बाई थ्री जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस इन वर्स कॉस टू पाई बाय थ्री ओके तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेट नंबर सेकेंड उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉस इन वर्स कॉस इकट्ठे हो गए तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास टू पाई बाय थ्री टू पाई बाय थ्री का मीनिंग क्या है मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास वन ट्वेंटी डिग्री एंड वन ट्वेंटी डिग्री बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स की हमने रेंज चेक करनी है कॉस इन की रेंज क्या होगी क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई ओके okay, ये देखिए टू पाई पॉन थ्री जो है दिस इज इन जीरो टू पाई मीन्स दिस इज इन रेंज सो इट्स आंसर विल बी टू पाई बाय थ्री ओके प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी टू पाई बाय थ्री अब देखिए सेकेंड पार्ट लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस इन वर्स कॉस फाइव पाए पॉन थ्री क्लियर अब देखिए फाइव पाई पॉन थ्री आ जाएगा यहां एंड दिस एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास फाइव आईफोन थ्री फाइव आईफोन थ्री का मीनिंग क्या होगा थ्री हंड्रेड डिग्री एंड सो दिस डज नॉट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई मीन्स रेंज ओके सो हमने करना क्या है देखिए क्योंकि जो कॉज फंक्शन है कॉज फंक्शन किस क्वार्डर में पॉजिटिव होगा या तो ये फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव होगा या ये फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास है नाइन्टी डिग्री सो नाइन्टी डिग्री के अकॉर्डिंग कॉज साइन में चेंज हो जाएगा सो so, हम नाइन्टी डिग्री तो नहीं लेंगे ओके तो फोर्थ क्वार्टर में लेंगे फोर्थ क्वार्टर में क्या है हमारे पास एक तो टू सेवेंटी डिग्री प्लस थीटा ओके एंड थ्री सिक्सटी माइनस थीट्टा इसमें अब टू सेवेंटी भी नहीं लेंगे क्योंकि टू सेवेंटी के साथ कॉस चेंज हो जाएगा साइन में अब थ्री सिक्सटी लेना है हमने देखिए जब भी हमारे पास कॉस आ जाए जैसे फाइव पाई पॉइंट थ्री आ गया तो थ्री सिक्सटी डिग्री को क्या लिखना है हमने टू पाई तो इसको हम या तो टू पाई माइनस थीट्टा की फॉर्म में लिखेंगे या टू पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि दोनों ही केसेस में कॉस चेंज भी नहीं होगा और पॉजिटिव भी रहेगा ओके तो इसमें हमने लिखना है एक्स इज इक्वल टू कॉस इन कॉस अब देखिए अब फाइव पाई अपॉन थ्री को हम क्या लिखेंगे टू पाई माइनस लिखेंगे ओके जैसे टू पाई माइनस अगर देखिए लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन थ्री क्लियर स्टूडेंट्स तो ये सेम फाइव पाई अपॉन थ्री को ही हम क्या लिख सकते हैं टू पाई माइनस पाई अपॉन थ्री ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बताया मैं आपको मैंने आपको कि टू पाई माइनस लिख दो चाहे टू पाई प्लस लिख दो इसको ओके तो जैसे भी वो आएगा जैसे यहां फाइव पाई अपॉन थ्री को कैसे लिखना है हमने टू पाई माइनस लिखेंगे पाई अपॉन थ्री तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइव पाई अपॉन थ्री ओके स्टूडेंट्स तो ये देखिए कॉस तो ये बनेगा कॉस इनवर्स वर्स कॉस टू पाई माइनस थिट्टा तो इसके लिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होगा पॉजिटिव तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थिट्टा मीन्स कॉस पाई अपॉन थ्री ओके तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ गया पाई अपॉन थ्री क्लियर स्टूडेंट्स क्योंकि देखिए फाइव पाइव पॉइंट थ्री जो हमने डायरेक्टली आंसर निकाला था दिस इज नॉट इन रेंज सो इसको हमें कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये रेंज में आ जाए तो कॉप फाइव पाई बाई थ्री जो भी यहाँ होगा जो रेंज में नहीं होगा तो उसको हमने क्या लिखना है या तो टू पाई माइनस लिख दे या टू पाई प्लस लिख देंगे हम उसे मेन उसकी सेटिंग करनी है हमने ओके तो टू पाई माइनस आ गया यहां तो ये बन जाएगा हमारे पास पाई पॉइंट थ्री तो पाई पॉइंट थ्री इज इन क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई तो सो इसका आंसर क्या जाएगा पाई अपॉन थ्री इज प्रिंसिपल वैल्यू क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास देखिए सेवन पाई अपॉन सिक्स तो इसमें क्या आएगा थर्ड पार्ट में एक्स इज इक्वल टू कॉस इन वर्स कॉस सेवन पाए अपॉन सिक्स क्लियरली सेवन पाई अपॉन सिक्स इज डज नॉट बिलोंग टू जीरो टू पाई ओके okay, तो इसमें क्या लिखना है हमने अब सेवन पाई पॉइंट सिक्स को अब क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस टू पाई माइनस क्या लिखना है अब हमने देखिए सिक्स इंटू टू आ जाएगा ट्वेल्व तो सेवन कैसे आएगा अगर हम यहां फाइव डालेंगे फाइव पाई अपॉन क्या आ जाएगा यहां सिक्स क्लियर स्टूडेंट्स एंड दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एंड टू पाई माइनस थीटा इज फोर्थ क्वार्डर में लिखा है हमने एंड कॉस टू पाई माइनस थीटा कितना होगा मीन्स थ्री सिक्सटी माइनस थीटा कितना होगा कॉस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुला कॉस इनवर्स वर्स कॉस एक्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव पाई अपॉन सिक्स एंड फाइव पाई अपॉन सिक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 150 डिग्री ओके okay? तो 150 डिग्री के अकॉर्डिंग नाउ 150 डिग्री is ंग्स टू to टू पाई So प्रिंसिपल वैल्यू so, क्या आ जाएगी यहाँ 5 pi by 6. This is your answer. Okay students. ना फोर्थ पार्ट है हमारे पास कॉस इन वर्स कॉस टू पाई बाय थ्री इसको तो हमने जूम कर लिया था लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस इन वर्स कॉस टू पाई बाई थ्री तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ गया था टू पाई बाय थ्री विच इज इन इट्स रेंज रेंज क्या है इसकी जीरो टू पाई ओके ये आ गया इसका तो नेट इसको सेकेंड को ज्यूम करेंगे वाई वाई इज इक्वल टू साइन इन वर्स साइन टू पाई बाय थ्री तो इसके अकॉर्डिंग आएगा हमारे पास टू फाइव बाई थ्री ओके एंड विच इज नॉट इन इट्स रेंज रेंज क्या है इसकी माइनस फाइव पॉइंट टू टू फाइव पॉइंट टू क्योंकि ये हमारे पास आएगा 120 ट्वेंटी डिग्री एंड वन ट्वेंटी डिग्री इज नॉट इन माइनस नाइन्टी टू नाइन्टी ओके तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन का साइन किस क्वारन में पॉजिटिव होगा या तो फर्स्ट में होगा या सेकेंड में होगा फर्स्ट में नाइन्टी डिग्री है सो ये चेंज हो जाएगा इसमें हम नहीं लेंगे एंड सेकेंड क्वारन में क्या आएगा नाइन्टी डिग्री प्लस थीटा और 180 एटी माइनस थीटा तो इसमें हम लेंगे 180 एटी माइनस थीटा ओके एंड दिस इज इक्वल टू साइन इन वर्स साइन एंड वन को हम रेडियम में लिखेंगे पाई पाई माइनस टू पाई बाई थ्री को क्या लिख सकते हैं हम पाई माइनस पाई बाई थ्री ओके एंड दिस इज इक्वल टू साइन इन वर्स ये आ गया वन एटी माइनस थीटा जस्ट इसको हमने लिखा है जैसे टू पाई पॉइंट थ्री कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस पाए पॉइंट थ्री रहेगा तो ये टू पाई पॉइंट थ्री ओके तो देन वन एटी माइनस थीटा आ गया एंड साइन वन एटी माइनस थीटा क्या होगा पॉजिटिव एंड साइन थीटा एंड दिस विल बी साइन पाई अपॉन थ्री एंड इसका रिजल्ट आएगा पाई अपॉन थ्री एंड विच इज इन इट्स रेंज माइनस पाए पॉइंट टू टू फाइव पॉइंट टू जस्ट हमने इनको चेक करना है कि रेंज में है या नहीं अगर रेंज में है तो तो यही आंसर आ जाएगा अगर रेंज में नहीं होगा देन उसको हम कुछ कन्वर्ट करेंगे देन उसमें उसको सॉल्व करेंगे क्लियर माइनस फाइव पॉइंट टू टू फाइव पॉइंट टू में आ गया तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई ओके okay? अब इसकी वैल्यू हमने निकाल ली टू पाई बाई थ्री एंड प्लस एंड इसकी वैल्यू निकाली है हमने अब सेकंड की फाइव पॉइंट थ्री एंड दिस इज इक्वल टू जब हम इसे सोल्व करेंगे थ्री फाइव पॉइंट थ्री आ गया एंड दिस इज पाइव एंड दिस इज ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में एंड लास्ट क्वेश्चन है ये इसमें देखिए लेट एक्स इज इक्वल टू वन बाय वन इसको सोल्व करना है हमने इकट्ठे नहीं इसको सोल्व कर सकते ओके वन बाय वन सोल्व करके देन इनकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे नौ लेट एक्स इज इक्वल टू टेन इन वर्स वन देन टेन x इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास वन एंड टेन की वैल्यू जो वन है वो किस एंगल पे होगी π अपोन फोर पे एंड x इज इक्वल टू कितना जाएगा पाएपोन फोर मीन्स फोर्टी फाइव डिग्री एंड दिस बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टेन इनवर्स टेन इनवर्स की रेंज क्या होगी ओपन इंटरवल माइनस पाए अपोन टू टू पाए अपोन टू ओके तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी पाएपोन फोर नेक्स्ट सेकेंड है जो हमारे पास लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस पाई वन अपॉन टू एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी अब पाई माइनस कॉस इन वन अपॉन टू एंड दिस इज इक्वल टू पाई माइनस पाई अपॉन थ्री एंड दिस इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री एंड विच बिलोंग्स टू इट्स रेंज रेंज क्या है जीरो टू पाई ओके ये इसकी वैल्यू आ गई प्रिंसिपल वैल्यू नेक्स्ट लेट जेड इज इक्वल टू साइन इन माइनस वन अपॉइंट टू अब इसे लिखेंगे हम माइनस साइन इन वर्स वन अपॉन टू ओके एंड देन दिस इज इक्वल टू अब साइन की वैल्यू वन अपॉन टू किस एंगल पे होगी थर्टी डिग्री पे तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई अपॉन सिक्स ओके एंड विच बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई अपॉन टू टू पाई अपॉन टू इट्स रेंज तो ये होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ओके अब इन तीनों को हमने ऐड कर देना है ऐड करके हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन फोर प्लस टू पाई बाय थ्री प्लस ये माइनस हो जाएगा फिर पाई अपॉन सिक्स ओके देन इसका एलसीएम आ जाएगा ट्वेल्व दिस विल बी थ्री पाई प्लस एट पाई माइनस टू पाई एंड दिस इज इक्वल टू सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास नाइन पाई अपॉन ट्वेल्व विच विल बी थ्री पाई अपॉन फोर ओके स्टूडेंट्स ये होगी प्रिंसिपल वैल्यू आई होप आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी क्लियर भी हो गई होगी नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फिर ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग खुश रहिए पॉजिटिव रहिए